फ्रेंड्स, कामकाजी महिलाओं को जब भी अपने बच्चे को स्तनपान कराना होता है तो उसकी वजह से उनके कामकाज में अक्सर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसी वजह से अक्सर माँ अपने दूध को स्टोर करके रख लेती हैं। आइए जानते हैं कामकाजी महिलाओं के लिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के कुछ अच्छे से तरीके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आपका बच्चा बोतल से दूध पी सकता है या फिर नहीं। अगर आपका बच्चा बोतल से दूध पी सकता है तो आप अपने मिल्क को स्टोर करने के बारे में सोच सकती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बोतल से दूध नहीं पी सकता है तो आगे के सवाल ही खत्म हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, जरूरत नहीं है कि आप जब भी बाहर काम के लिए जा रही हो तभी आप अपने बच्चे के लिए मिल्क को स्टोर करें। आप जब भी काम पे जा रही हो या फिर वापस आई हो तब आप अपने मिल्क को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये माँ का अपना दूध होता है इसीलिए जल्दी खराब नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपका बच्चा स्टोर किया हुआ दूध पी सकता है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत भूख लगती है तो कभी कभी उसकी भूख मानो गायब सी हो जाती है। अगर आपका दूध को स्टोर हुए 4 से 6 घंटे हो गए हैं और बच्चा उसे पी सकता है फिर तो ठीक बात है, लेकिन अगर बच्चा 4 से 6 घंटों के स्टोर किए हुए दूध को नहीं पी पा रहा है तो आपको बच्चे के लिए स्टोर दूध करने की जरूरत ही नहीं है। सो दोस्तों, ये है कामकाजी महिलाओं के लिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के कुछ आसान से तरीके। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।